अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी फिश कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले हमें फिश चाहिए होगी, 1 किलो होगी ये मेरे पास, 1 kg होगी। और इसके लिए हमें चाहिए होगा स्प्रिंग अनियन। जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है वो मैंने तकरीबन 10 अदद मैंने स्प्रिंग अनियन दिए थे, उनका वाइट पार्ट मैंने अलग कर लिया है और ग्रीन पार्ट अलग करके काट लिया है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 6 अदद है मेरे पास और उनको मैंने बीच में से काट लिया है इस तरह से। टमाटर लिया है मैंने 1 अदद और इसमें टमाटर हम यूज़ करेंगे, स्किन इसकी हम पील कर लेंगे और जो इसका अंदर का है गूदा वो हमने लिया है, छिलका हमने टमाटर का उतार दिया है और इसको ब्रिक ब्रिक हमने चॉप कर लिया है। मसाले हमें चाहिए होंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सुर्ख मिर्च जो सी है वो हमें चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, उसको आप लेवल करके लीजिएगा क्योंकि हरी मिर्चें भी बीच में जा रही हैं, मछली क्योंकि मिर्च ज़्यादा अपने अंदर नहीं करती तो इसलिए वो मिर्ची भी तेज़ हो जाएंगी। हल्दी जो सी है 1/4 टीस्पून ली है, सूखा धनिया लिया है हमने 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला लिया है मैंने पिसा हुआ, ये भी 1/4 टीस्पून चाहिए। चले शुरू करते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1 कप और जब आप फिश बनाएं तो आप किसी खुले बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में बनाना, उससे फिर आपकी फिश अगर आप चम्मच में मारेंगे तो वो टूटेगी नहीं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं सबसे पहले टमाटर इसमें ऐड करूंगी। इसे फ्राई करूंगी ताकि टमाटर का जो पानी है वो खत्म हो जाए। टमाटर फ्राई हो गए हैं और इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो व्हाइट पार्ट है स्प्रिंग अनियन का वो ऐड करूंगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। इसको ज्यादा नहीं मैंने फ्राई करना क्योंकि मैंने इसको कोई कलर नहीं देना। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी इस टाइम पर और थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रखूंगी। ये बहुत मजे की बनती है, आप जरूर ट्राई करना। अब मैंने इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर मसाले जब डाल लूँगी तो मैं फिर फिश ऐड करूँगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि फिश का अपना भी पानी होता है। अब मैं फिश ऐड कर रही हूँ। फिश के देखिए इस तरह से मैंने भरे भरे पीस कटवाए हैं इस तरह से, आप इसे छोटे भी कटवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हरे तरह अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर एक ढक्कन सिरके का ऐड करूँगी। सिरका तो वैसे मैं हमेशा बताती हूँ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत के लिए मैं डालती हूँ, लेकिन इस डिश में वैसे भी डलता है क्योंकि अगर मछली के लिटिल बिट कोई स्मेल भी होगी तो वो सिरके की वजह से ख़त्म हो जाएगी। 1 खाने का चम्मच सिरका और अब जो मैं इसमें व्हीट पार्ट ऐड करूँगी सबसे आखिर में, अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर साथ ही मैं इसको लो फ्लेम में ले जाऊंगी और दम से ज़रा सा तेज़ होगा यह हमारा चूल्हा और इसको फिर मैं ढक दूंगी और ये अब पकेगा। हमारी डिश तैयार हो गई है
और मैंने इसका ढक्कन हटाया है, अब देखिए ऑयल साइडों पे आ गया है। अच्छा एक मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब मछली के मैं चम्मच मार रही थी तो आप पकते टाइम मार सकते हैं, जब पक गए तो आप इस तरह से मारें, इससे यूँ होगा कि आपकी मछली टूटेगी नहीं, इस तरह से ऊपर की तरफ रख के इस तरह से। चलिए अब अपनी डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार सी फिश कढ़ाई हमारी तैयार है और आप इसको खाना और फिर मुझे कमेंट पे बताना जब आप बनाओगे तो खाना और फिर मुझे बताना कि ये कैसी बनी है, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ऐसे बताते रहा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने आपके फीडबैक का, और अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।